एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी 2016 एग्जाम पेपर, जो कि अभी आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था, जो नोटिफिकेशन आपका 2016 में आया था, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो फरवरी 2019 में हुआ था। तो इसके प्रीवियस जो भी क्वेश्चन थे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के, टोटल क्वेश्चन होते हैं 125 में से हमने 106 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। 125 क्वेश्चन आते हैं और टोटल जो मार्क होते हैं वो 425 यानी 425 मार्क के होते हैं। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको अच्छे से स्मार्ट स्टडी करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। आपके जो भी यूजी और पीजी के सिलेबस हैं और ग्रेजुएशन के जो भी सिलेबस हैं और आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस हैं, इन्हीं सबसे आप क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को देख के एनालाइज कर लेंगे कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो 107 क्वेश्चन है, डिक्लाइन जी एग्जांपल हुज ऑफ दी फॉलोइंग। 108 आप देख सकते हैं, एमांग दी फॉलोइंग कंपाउंड हीटेड विथ K2Cr2O7 एंड H2SO4 गिव्स अनदर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपका 109 आप देख सकते हैं, रिएक्शंस दी हुए पूछा हुआ कौन सा रिएक्शंस है। 110 आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जी रेट और अनजी रेट क्या होता है इसके बारे में पूछा है। 111 है आपको, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, अगर इन सब के बारे में स्टडी किया है आपने तो इस क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाएंगे। 112 आप देखेंगे, दी इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स से इसके प्रीवियस आगे भी क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ पे भी आया है। 113 है आपका, सूटी डिफेक्ट्स के बारे में पूछा हुआ है, इसमें कौन सा डिफेक्ट इसे बोलते हैं। 114 है, नंबर ऑफ पासविल आइसोमर्स आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसका आइसोमर, ये आपकी यूजी बीएससी के सिलेबस में है। 115 है, इसमें आपको बताना है कॉन्टेक्ट वाटर के संपर्क में आने से सीमेंट कितने समय में आपको 30 मिनट्स में हार्ड प्लास्टर बन जाता है, उसका फार्मूला क्या होगा। 116 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज एज ए स्पॉट टेस्ट रीजन फॉर द डिटेक्टिंग सल्फर एसिड एंड सेरियम एंड ऑल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक। 117 आप इसी तरीके से देख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। 118 का क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और इसके बारे में मोलर कंडक्टेंस CH3COH का पूछा हुआ है। 119 है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनिलीन प्लस ग्रिस्टाल को देखे दिया है, पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। 120 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रांगेस्ट बेस, इस बेस के बारे में अगर आपको पता है तो इसको भी कर सकते हैं। 121 है, फॉलोइंग विटामिन प्ले दी वाइटल रोल कोलिगेटिंग प्रॉपर्टीज। 122 है आपका, कौन सा रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, प्रोड्यूस करेगा C2 क्लोज सिस्टम सबमरीन्स। 123 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है रेडिकल्स के। 124 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग का मटेरियल डिराइव फ्रॉम एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। 125 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट डज नॉट शो प्रॉपर्टीज दैट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इस अकॉर्डिंग आपके जो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री में 125 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज आज कंप्लीट हो गई। प्रीवियस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं, आज ये लास्ट वीडियो था जो आपका पूरा एक पेपर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने 125 के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और GIC लेक्चरर का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होता है, जिसकी वैकेंसी फिलहाल आ गई है उसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, क्योंकि